हेलो गाइस, जब सलार का ट्रेलर वन आया तो लोगों को जितना उससे उम्मीदें थी ना, उस पर उसने पानी फेर दिया, क्योंकि उस पूरे ट्रेलर ने प्रभास की जगह पृथ्वीराज को हाईलाइट किया हुआ था। उस पूरे ट्रेलर में प्रभास की एंट्री लास्ट के 1 मिनट में होती है। प्रभास की एंट्री होने के बाद ट्रेलर कब समाप्त हो जाता है लोगों को समझ ही नहीं आता है, लेकिन ऑडियंस को कहाँ पता था, प्रशांत नील का दिमाग उनसे 100 कदम आगे की सोचता है। ट्रेलर वन में तो उन्होंने सिर्फ प्रभास का इंट्रोड्यूस कराया था, असली मासी प्लस क्लासी इक्वल टू प्रभास का वायलेंस से भरा धमाकेदार ट्रेलर तो आना अभी बाकी था। तो फाइनली गाइस, सलार का ऑफिशियली रिलीज ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। तो कैसा है ये ट्रेलर, बात करते हैं उस पर। प्रभास का धमाकेदार कमबैक प्रशांत नील की सलार के अलावा और किसी दूसरी फिल्म से नहीं हो सकता था, इस ट्रेलर ने ये साफ बता भी दिया है। बाहुबली के बाद प्रभास का रुतबा जो उनकी पिछली कुछ फिल्मों में खो सा गया था, फाइनली वो वापस लौट कर आने वाला है। प्रभास का मास अवतार हमें सलार मूवी में देखने को मिलने वाला है, और मूवी में केवल खून खराबों से भरा वायलेंस ही नहीं होगा, बल्कि मूवी में स्टोरी पर भी फोकस किया जाएगा। देवा और वरदा राजा दोनों दोस्त हैं, ये तो ट्रेलर वन ने बता दिया, लेकिन जब ये दोनों ही दोस्त खानसार को हासिल करने या उसे बचाने के लिए साथ आएंगे, तब खून की नदियां बहने वाली है, जिसका छोटा सा हिंट हमें ट्रेलर में मिल चुका है। खानसार को जीतने के लिए जब चारों ओर से हमले होंगे, तो वरदा राजा के आगे उनकी फौज नहीं, सिर्फ देवा खड़ा होगा। यहाँ तक सब ठीक चल रहा होता है कि तभी कहानी में ट्विस्ट आता है कि खानसार ने बहुतों की कहानी बदली है, लेकिन खानसार की कहानी तब बदली जब दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। लिटरली गाइज, इन दो लाइनों ने सलार के लिए सभी की एक्साइटमेंट को डबल करके रख दिया। लेकिन इसमें एक बुरी खबर है, शायद ये दो दोस्तों की दुश्मनी की कहानी हमें पार्ट वन में दिखाई जाएगी ही नहीं। इसके लिए शायद हमें अभी और लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि सीज फायर में केवल इन दोनों दोस्तों की कहानी फ्रेंडशिप से लेकर कट्टर दुश्मन बनने तक प्लॉट को तैयार करेगी, जिसके आगे की कहानी हमें सलार के पार्ट टू में दिखाई जाएगी। ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में सबका काम अच्छा है, मूवी की हिंदी डब्ड भी शानदार है, और ये ट्रेलर लोगों की एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतर चुका है। अगर आपने सलार मूवी का ट्रेलर देख लिया है तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में आज इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।